शुरुआत हुई एक इरादे से। तो गाइस कॉमकास्ट की नाकाम कोशिश के बाद भी डिज्नी और फॉक्स की डील हो ही गई और मार्वल स्टूडियोज़ के पास एक्समैन और फैंटास्टिक फोर जैसे कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स वापस आ ही गए। पर एक टाइम था जब मार्वल की हालत कुछ ऐसी थी कि उसे खुद ही अपने कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स अदर स्टूडियोज़ को बेचने पड़ रहे थे। पर आज ऐसा नहीं है। आज मार्वल स्टूडियोज़ अपने आइडियाज़, करेक्ट डिसीजंस और अपने क्रिएटिविटी की वजह से इतना सक्सेसफुल हो चुका है कि इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस साल मार्वल स्टूडियोज की सिर्फ 3 मूवीज ने ही $4 बिलियन का बिजनेस किया है। पर फिलहाल अब जब फाइनली ये डील हो गई है तो अब मार्वल स्टूडियोज के पास कौन कौन से कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स आ गए हैं और कौन कौन से कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स अभी भी दूसरे स्टूडियोज के पास हैं, यही सब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम की चिंता किए स्टार्ट करते हैं। गाइस शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि करेक्टर मूवी राइट्स होते क्या हैं। तो करेक्टर मूवी राइट्स का सीधा मतलब ये होता है कि किसी भी तरह के करेक्टर को लेके उस पर मूवी बनाने का अधिकार दूसरी स्टूडियो को देना, और ये राइट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि दोनों स्टूडियोज को प्रॉफिट हो। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन डीसी है और एक मार्वल, और ये दोनों पर्सन ही मूवीज बनाते हैं। तो डीसी के पास एक करेक्टर है सुपरमैन, पर डीसी के पास ना ही रुपए हैं और ना ही कोई आइडिया जिससे वो सुपरमैन को लेके एक अच्छी सी मूवी बना सके और प्रॉफिट कमा सके। तो डीसी ने सोचा कि क्यों ना मैं मार्वल के साथ एक डील करूं और अपने करेक्टर यानी सुपरमैन के राइट्स मार्वल को कुछ रुपए में बेच दूं, और बदले में मार्वल से बोल दूं कि जब भी तुम मेरे करेक्टर यानी सुपरमैन को लेके एक मूवी बनाओगे तो उस मूवी से तुम्हारी जो भी कमाई होगी उसका 30% हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा। फिर चाहे वो 30% हिस्सा मुझे देने से तुम्हारा लॉस हो या प्रॉफिट, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। साथ ही साथ डीसी ने ये सोचा कि अगर मैं मार्वल से 30% लेके ऐसे ही करेक्टर दे दूंगा तब तो मुझे वेट करना पड़ेगा कि कब मार्वल सुपरमैन को लेके एक मूवी बनाए और कब मुझे 30% मिले। तो इसलिए डीसी ने मार्वल के सामने एक कंडीशन भी रख दी कि तुम्हें हर 3 साल में सुपरमैन को लेके एक मूवी बनानी पड़ेगी, वरना सुपरमैन की मूवी राइट्स मेरे पास वापस आ जाएंगे। अब गाइस जो मैंने आपको अभी कंडीशंस बताई कि 3 साल में एक मूवी और 30% हिस्सा, ये दोनों कंडीशंस डील या स्टूडियोज के अकॉर्डिंग रखी जाती हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि 30% हिस्सा और 3 साल में एक मूवी की ही कंडीशन हो, इसके बजाय 5 साल में एक मूवी की या 30% की बजाय 10 या 40% जैसी कंडीशंस भी हो सकती हैं। आई थिंक आपके समझ आ गया होगा कि करेक्टर मूवी राइट्स का क्या मतलब होता है। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कब मार्वल स्टूडियोज ने अपने करेक्टर्स के मूवी राइट्स अदर स्टूडियोज को बेचने स्टार्ट किए और कब मार्वल स्टूडियोज के पास उसके कुछ करेक्टर्स के मूवी राइट्स वापस आए, जिसकी वजह से आज हमें आयरन मैन और थॉर जैसे कैरेक्टर्स एमसीयू में देखने को मिल रहे हैं। इन सब की शुरुआत हुई थी 1988 से। उस टाइम मार्वल की हालत कुछ ऐसी थी कि उसके पास करेक्टर्स तो थे पर मूवी बनाने के लिए ना ही रुपए थे और ना ही कोई आइडिया कि मूवी को कैसे और किस तरह से बनाना है। इसलिए मार्वल ने अपनी इस हालत से बचने के लिए 1988 से ही अपने करेक्टर्स के मूवी राइट्स बेचना स्टार्ट किए, और जिन जिन स्टूडियोज को मार्वल अपने करेक्टर्स के मूवी राइट्स बेच रहा था उन स्टूडियोज के नाम थे न्यू लाइन सिनेमा, कोलम्बिया पिक्चर्स यानी सोनी कंपनी, लॉयंस गेट एंटरटेनमेंट, फॉक्स और यूनिवर्सल। अब गाइस 1988 में मार्वल स्टूडियोज के कुछ करेक्टर्स के मूवी राइट्स बिके तो, पर 1990 में मार्वल के पास कुछ करेक्टर्स के मूवी राइट्स वापस भी आ गए। पर 1990 के बाद यानी 1993 में मार्वल और फॉक्स के बीच एक डील हुई, और इस डील में सारे एक्समैन और फैंटास्टिक फोर जैसे करेक्टर्स के मूवी राइट्स फॉक्स के पास चले गए, प्लस मार्वल और फॉक्स के पास कुछ करेक्टर्स आधे आधे यानी शेयर राइट्स भी रहे, जैसे स्कारलेट विच, क्विक सिल्वर, क्री, स्क्रल्स और भी कई सारे। अब गाइस 1993 की मार्वल और फॉक्स की डील के बाद अब बारी थी मार्वल और सोनी की डील की, जो हुई 1998 में। पर इस डील में मार्वल स्टूडियोज अपने बचे हुए सारे करेक्टर्स के मूवी राइट्स सोनी को बेचना चाहता था, पर सोनी सिर्फ और सिर्फ स्पाइडरमैन और उससे जुड़े हुए करेक्टर्स में ही इंटरेस्टेड था। पर फिर भी सोनी ने स्पाइडरमैन और उससे जुड़े हुए करेक्टर्स के साथ साथ घोस्ट राइडर जैसे करेक्टर्स के भी मूवी राइट्स परचेज किए। अब एक तरफ मार्वल स्टूडियोज को बिना किसी रिस्क के प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा था, और दूसरी तरफ मार्वल स्टूडियोज के पास धीरे धीरे उसके कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स
वापस भी आते जा रहे थे। जैसे सबसे पहले मार्वल के पास 2005 में कोलंबिया पिक्चर्स यानी सोनी की तरफ से ब्लैक पैंथर के मूवी राइट्स वापस आए, फिर इसी साल यानी नवंबर के मंथ में न्यू लाइन सिनेमा की तरफ से आयरन मैन के मूवी राइट्स वापस आए, और इसी तरह ही मार्वल के पास 2006 में भी तीन और करेक्टर्स के राइट वापस आए, जैसे अप्रैल में थॉर के राइट्स सोनी की तरफ से, जून में ब्लैक विडो के राइट्स लॉयंसगेट एंटरटेनमेंट की तरफ से, और फिर लास्ट में हल्क के राइट्स यूनिवर्सल की तरफ से। पर यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट ये था कि मार्वल के पास हल्क के राइट्स वापस तो आए पर पूरी तरह से नहीं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब यूनिवर्सल और मार्वल के बीच हल्क के राइट्स को लेकर डील हो रही थी तब कॉन्ट्रैक्ट में दो कंडीशंस लिखी थी। पहली, अगर 3 साल तक हल्क पर एक भी मूवी नहीं बनती है तो हल्क के मूवी राइट्स मार्वल के पास वापस आ जाएंगे, और दूसरी राइट्स ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, मतलब अगर मार्वल के पास यूनिवर्सल की तरफ से हल्क के राइट्स वापस आ जाते हैं और फिर मार्वल हल्क के राइट्स किसी दूसरे स्टूडियोज को बेचना चाहता है तो इसके लिए मार्वल को 5 साल तक का वेट करना होगा, क्योंकि राइट्स ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले मार्वल को हल्क के राइट्स की डील यूनिवर्सल को ऑफर करनी होगी। प्लस अगर उन 5 सालों के अंदर अंदर किसी और ने हल्क के राइट्स नहीं खरीदे तो हल्क के राइट्स यूनिवर्सल के पास वापस आ जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। यूनिवर्सल के पास हल्क के राइट्स वापस आ गए पर सिर्फ आधे आधे, और इसलिए हमें एमसीयू की सेकंड मूवी यानी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में यूनिवर्सल का लोगो देखने को मिला। अब 2006 तक मार्वल के पास सारे कोर एवेंजर्स के मूवी राइट्स वापस आ चुके थे, और अब मार्वल के पास इन कैरेक्टर्स को लेके एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करने का आइडिया भी था। पर अब भी मार्वल के आगे एक प्रॉब्लम और थी, और वो प्रॉब्लम थी डिस्ट्रीब्यूटर की, कि अब मूवी में पैसा कौन लगाएगा, और इसलिए पैरामाउंट और मार्वल के बीच डील हुई और हमें एमसीयू में आयरन मैन 1 और 2 मूवी देखने को मिली, और साथ ही साथ दोनों मूवीज में पैरामाउंट पिक्चर्स का लोगो भी। पर 2009 में थोड़ा हवा का रुख चेंज हुआ और डिज्नी ने मार्वल को खरीद लिया, और अब मार्वल के पास एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर था और वो था वॉल्ट डिज्नी कंपनी। अब 2009 के बाद मार्वल अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक के बाद एक ऑसम मूवी रिलीज कर रहा था, पर अब भी एक मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर एमसीयू में आना बाकी था, और वो कैरेक्टर था स्पाइडरमैन। और इसी कैरेक्टर को एमसीयू में लाने के लिए 2015 में मार्वल ने सोनी से एक डील की, और इस डील की कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि मार्वल स्पाइडरमैन को अपनी मूवीज में यूज कर सकता है और बदले में कुछ प्रॉफिट सोनी को भी मिलेगा, प्लस अगर एमसीयू में स्पाइडरमैन की सोलो मूवी बनती है तो उसका पूरा कंट्रोल सोनी के हाथों में होगा। पर इन कंडीशंस के साथ भी फाइनली स्पाइडरमैन पार्ट बना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। अब सिर्फ 3 स्टूडियोज थे जिनके पास मार्वल कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स थे, यूनिवर्सल, फॉक्स और सोनी। पर फॉक्स और सोनी ये दो ऐसे स्टूडियोज थे जो अभी तक मार्वल के कैरेक्टर्स को लेकर सुपर हीरो मूवीज बना रहे थे, पर सबको पता है कि सोनी की मूवीज मार्वल जितनी चलती नहीं है और फॉक्स की मूवी में डायलॉग से ज्यादा कंफ्यूजन्स होती हैं। पर इस साल यानी 2018 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी, यानी डिज्नी और फॉक्स की डील, और इस डील की वजह से फॉक्स के पास मार्वल के जितने भी कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स थे वो सब अब मार्वल के पास वापस आ गए थे। और अब यानी 2018 में गूगल बाबा के हिसाब से मार्वल के टोटल 8000 कैरेक्टर्स में से सिर्फ 900 कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स सोनी के पास हैं और कुछ कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स यूनिवर्सल के पास हैं, जिसे आप इस पिक को देखकर समझ सकते हो। इस पिक में सब कैरेक्टर तो नहीं दिए गए हैं पर आपको एक आइडिया लग जाएगा। साथ ही साथ इस पिक में वो कैरेक्टर्स साफ साफ दिख रहे हैं जिन कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स सोनी और यूनिवर्सल स्टूडियो ने मार्वल के साथ शेयर कर रखे हैं। वैसे गाइस मार्वल के पास लगभग सारे कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स वापस आ ही गए हैं, पर सोनी के पास मार्वल के वैनम और कार्नेज जैसे कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स अभी भी हैं, और सोनी वैनम और कार्नेज जैसे कैरेक्टर को लेके एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या सोनी मार्वल जितने लेवल का सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर पाएगा या नहीं। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे तरह आयरन मैन के फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब गाइस इस वीडियो के अलावा अगर आप कैप्टन मार्वल के बारे में कॉमिक बुक या मूवी से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप ये नीचे से लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आएगी। तो गाइस मैं अनुराग मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।